मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब एवं मजदूर तबके के लोगों के लिए अब तक के बकाया बिजली बिल माफ कर उन्हें मुख्यमंत्री सहज योजना अंतर्गत फ्लैट रेट पर 200 रुपए प्रति माह के हिसाब से मीटर सहित बिजली कनेक्शन दिए रहे हैं, जिसमें पथरिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ विद्युत मंडल द्वारा कैंप लगाया गया एवं बिजली माफी करने हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं। योजना का लाभ देने हेतु लोगों से बिजली बिल, आधार कार्ड, असंगठित मजदूर कार्ड, बीपीएल कार्ड धारकों के लिए अपनी फोटो काफी जमा कराई गई है। इन सभी के फॉर्म जमा किए गए, सभी से ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर बिजली बिल माफ करने हेतु एक आवेदन भरकर जमा करवाया जा रहा है। बता कैसे आए आप? माफ करवा दे। कितने का है बिजली का बिल आपका? बिजली का बिल कितने का है आपका? बताए काहे के लिए आई अम्मा? बिल माफ करवावे। अच्छा, तो फार्म जमा हो गए? अबे नहीं भाई, मोबाइल नंबर नहीं यहाँ सुनिंग कर रहे हैं, फोन नंबर याद नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे जमा। अच्छा, क्या क्या मांग रहे हैं? तो जा रहे हम लोगों ने बोला है आधार कार्ड की फोटो कापी और राशन कार्ड की फोटो कापी और आईडी। अच्छा, और बिल। अच्छा, कितना कितने माह से आप लोगों ने बिल नहीं भरा? कितना होगा बकाया? तो 700 है इनका। 700। अच्छा, आपका? 7-8 महीने का। 7-8। आपको अम्मा? 27,000। सभी हो रहा बिल माफ? सभी पूरा बिल माफ कर रहे हो? बोल रहे हैं कि ये फोन नंबर ले रहे हैं तो उस पे मैसेज आ जाएगा, माफ होगा। बिजली सरकार द्वारा बिजली को बिजली को कागज जमा करने आया। जमा हो रहा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या ले रहा है जमा करने में? जमा करने में क्या दे रहे हैं? वो सब आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल। अच्छा, कितने माह से नहीं भरा आपने बिल? हमारा तो 3 माह से। अच्छा, बिल माफ किया जा रहा, उसके फार्म लेते हैं। तो कितने का बिल आपका? 5,000 से ऊपर। अच्छा, तो क्या क्या फार्म जमा हो रहे हैं आपके? आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड। अभी होगा आपके जमा? हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? विद्युत मंडल नरसिंहगढ़ के आकाश राज सेक्टर अधिकारी ने बताया, योजना में 25 तारीख से 5 जुलाई तक फॉर्म जमा किए जाएंगे। जिन लोगों के पास बीपीएल सूची में आते हैं और मजदूर कार्ड जिनके पास है, उनका बिजली बिल माफ किया जा रहा है। जो लोग एम्प में लोग नहीं पहुंच पाते, वे एमपीईबी कार्यालय में भी फॉर्म 5 जुलाई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। नरसिंहगढ़ से संतोष मोदी की रिपोर्ट, SCN न्यूज़ इंडिया।